नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ मैं हूं अपूर। मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान। अब अगला मैच सीएसके को खेलना है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और इस मैच में आप कई तरीके के बदलाव देख सकते हैं। बदलाव टीम के प्लेइंग 11 में, क्योंकि ब्रावो चले गए हैं, वहां पर कौन आएगा ये देखना होगा। इसके अलावा जैसे जॉश हेजलवुड पिछले मैच में खेले थे, उम्मीदें की जा रही है कि भाई इमरान ताहिर को लेके आइए, अपमान की जा रही है, तो क्या हो सकता है वो बदलाव हो सकता है। इसके अलावा केदार जाधव को हटाकर कोई उनकी जगह कोई युवा खिलाड़ी जैसे ऋतुराज या फिर जगदीशन को भी मौका दिया जा सकता है। मुरली विजय भी आ सकते हैं। तो कई तरीके के बदलाव हो सकते हैं, लेकिन बड़ा बदलाव जो फैंस डिमांड कर रहे हैं वो है बैटिंग ऑर्डर में। बैटिंग ऑर्डर में बहुत मुश्किल अभी हो रही है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से ऊपर थोड़ा बहुत स्टार्ट तो मिल जाता है, लेकिन फिर धोनी के बाद कोई ऐसा दिखता ही नहीं है। रवींद्र जडेजा अकेले पड़ जाते हैं सामने से। तो क्या रोहित, इस मैच में आप बैटिंग ऑर्डर में फिर से एक वैसा बदलाव देख सकते हैं जो एक बदलाव महेंद्र सिंह धोनी ने किया था लगभग दो मैचेस पहले, जब सैम करन को अचानक से ऊपर भेज दिया था और फिर पूरी कहानी उस मैच में चेंज हो गई थी। क्या फिर से कोई ऐसा बदलाव देख सकते हैं आप? ऐसी उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि चीज़ वही होगी कि धोनी को फिर अपने आप को नीचे करना होगा। अच्छा, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं ना कि जडेजा अकेले पड़ जा रहे हैं, अगर जडेजा के साथ धोनी खड़े भी रहते हैं ना, तो जडेजा का कॉन्फिडेंस कुछ और होगा बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि सब कॉन्शियसली उन्हें पता होगा कि साथ में धोनी है। भले ही धोनी के बल्ले से उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रही है गेंद, वो हम सब देख चुके हैं, लेकिन जो बड़े बड़े हिट्स वो मार रहे हैं। और इस बार मैं ये तो ज़रूर देखना चाहूँगा कि एक चौका या अच्छा छक्का मारने के बाद वो आउट ना हो जाए, क्योंकि पिछले चार मैचेस से ऐसा लगातार हो रहा है कि वो एक अच्छा छक्का मारते हैं उसके बाद आउट हो जाते हैं, कवर ड्राइव करते हैं, बढ़िया कैच हो जाए लेकिन आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत दिलचस्प होगी देखनी। इसके अलावा क्या धोनी मिडिल ऑर्डर में किसी ऐसे खिलाड़ी को लेकर आते हैं या फिर लोअर ऑर्डर में केदार जाधव की जगह पे, जो बड़ी हिट्स मारने में आते ही, क्या टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी है? है क्या जगदीशन ऐसे खिलाड़ी है? मुझे लगता है उनमें कैपेबिलिटी है, आप मौका दीजिए, या फिर आप मुरली विजय को नंबर 3-4 पर रखिए। लेकिन फिर दिक्कत ये आ जाती है आपके पास कि आपका टॉप ऑर्डर फिर भी परफॉर्म कर रहा है, मतलब एक एक पारियां खेली हैं। हालांकि फाफ ने 3-4 अर्धशतक है फाफ के, वॉटसन ने एक दो अच्छी पारियां खेली है, रायडू ने आपको पहला मैच जिताया है, और फिर ये तीन हो जाते हैं। फिर सैम करन को आप इसलिए बाहर नहीं कर सकते क्योंकि वो लगातार बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बैटिंग में भी। तो ये जो आपके टॉप फोर है ना, इनको आप, इनके ज़्यादा चांसेस नहीं है चेंज होने के। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि इन बिटवीन, इस बीच में कोई एक ऐसा खिलाड़ी आ जाए जो जहाँ पर धोनी आ रहे थे वहाँ पर वो खेले, वो टीम को कहीं ना कहीं रोटेट करे, और फिर धोनी डाउन दी ऑर्डर रहे, जडेजा डाउन दी ऑर्डर रहे, तो फिर शायद कुछ हो सके बदलाव। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। मिडिल ऑर्डर में आपको देखना पड़ेगा कि भाई कोई ऐसा खिलाड़ी जैसे जगदीशन कोई, आप फिर फुल टिकट दे दीजिए, या मुरली विजय भी दे दीजिए, या फिर मुरली विजय उनको ही पूरा मौका दे दीजिए। भाई आप सिचुएशन के हिसाब से खेलिए, जैसा खेलना है वैसा खेलिए, जल्दी भी आउट हो गए तो भी कोई यहाँ पे आपको गरियाएगा नहीं, आप खुल के खेलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना बड़ा मैच का प्रेशर मत लीजिए, आप खुल के खेलिए, कोई दिक्कत नहीं, कप्तान आपके साथ खड़ा है। ये कॉन्फिडेंस आपने खिलाड़ियों को दे दिया तो उनसे आपको 100% निकल के मिलेगा ही मिलेगा, फिर कोई उसकी तो गारंटी है। धोनी तो प्लेयर्स में से जो 80% कर रहा है उसमें 100 निकलवाने की मादा रखते हैं वो। तो उम्मीद है कि ये थोड़े से बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप कैसा बदलाव चाहते हैं आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।